शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अय्यूब के हिस्से में 92 वोट आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का 92 शोर शराबा, स्पीकर डाक के सामने एहतजाज, झंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। JUIP ने इंतखाब का बायकॉट किया, वज़ीर आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग की मुबारकबाद, कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नए संगे मील अबूर करेगा। चीनी वज़ीर आज़म की भी मुबारकबाद। आज फिर मिसाक मुफाहमत की दावत देता हूँ, आए इंतखाबी निज़ाम की बेहतरी के लिए बैठें। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फॉर्म मौजूद है। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी, आपको अपने दारों पर एतबार नहीं, अखियात पर एतबार है। मौजे या जादू टोने से कोई काम नहीं होता, किसी जमात के आलाकार बनेंगे तो बड़ी गलती होगी। डीप सर्जरी का फैसला कर लिया, हिमालय नुमा चैलेंजेस अबूर करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होगा, दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। नामुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में आज़म, कहा मुजरमान कानून और इंसाफ का सामना करेंगे। सनअती असलाहत SIFC से मिलकर लाएंगे। फॉर्म 47 के मुताबिक 180 बनती हैं, एक मुल दो दस्तूर नहीं चल सकते। उमर अय्यूब का कौमी असम्बली में खिताब, का हम मखसूस नशस्तें मिलाकर हमारी सादा अक्सरियत बनती है, ये जितना जुल्म करेंगे अवाम इतना ही रद्द अमल देंगे, तैयारी करें अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, हुकूमत नहीं चलने देंगे, डाका डालने वालों को बुजदिल समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, का जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। कौम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं लेकिन दिलों पर नहीं, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने पर गौर किया। ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं है, किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं जो हमें मनाएंगे। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर मतवालों का जश्न, पार्लियामेंट हाउस में मिठाई तकसीम। साबिक डिप्टी मेयर ज़ीशान शाह ने कारकुनान में मिठाई तकसीम की, पेशावर में भी मिठाई तकसीम की गई। कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती, सियासत में हर वोटर के पास जाया जाता है। MQM की क़यादत इस्लामाबाद में है, मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहत की जरूरत हुई तो करेंगे। सूबाई काबीना में ताखीर नहीं हो रही, मसाइल के लिए मिलकर बेहतर काम करेंगे, अमन व अमान तरजीह है। सिंध से सेनेट की दो जनरल नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, कागजात की नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला धारिजो और असलम अपड़ो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुतबादल उम्मीदवार की हैसियत से वकार महदी और आजिद हमरा ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, सेनेट इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। पोलिंग 14 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। मुजफ्फराबाद के इलाके पटाखा में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन, केबल कार में फंसे अफराद को बार वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। केबल कार का रस्सा दरिया बूर करते हुए टूट गया, पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की रिवायत को कायम रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।